The member of parliament or the legislative assembly, as the case may be, can claim immunity from prosecution on a charge of bribery in a criminal court. We disagree with and overrule the judgment of the majority on this aspect. किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सबसे अहम बॉडी होती है उसकी न्यायपालिका, जिसे हर वक्त हर क्षण ये ख्याल रहता है कि उसके देश में कब क्या बदल रहा है, क्या घटित हो रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में अस्थिरता को समर्पित न्याय की व्याख्या में कब क्या कुछ बदले की जरूरत है, उस देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात का बेहद एहतराम करता है। इसमें वो कभी भी अपनी अना को आड़े नहीं आने देता। यही उसके सर्वोच्च मूल्य हैं, जो उसके लिए बहुत मूल्यवान है। न्यायपालिका के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1998 में आए अपने ही एक फैसले को पलट दिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए इस पर बात जरूरी है। आपको बताएंगे कि संविधान पीठ ने अपने ही एक पुराने फैसले को क्यों पलटा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट को ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को चुनाव से जोड़ना कहीं ना कहीं उचित नहीं होता, पर यह फैसला ही ऐसा है जो चुनाव से खुद जुड़ता है। यह फैसला समझकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतरीन तरीके से संरक्षित किया है और भ्रष्टाचारी नेताओं नेत्रियों को करारा झटका दिया है। बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पुराने फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें सांसदों विधायकों को भाषण देने और सदन में वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट दी गई थी। बता दें कि 1998 के फैसले में 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था कि सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के संसदीय विशेषाधिकारों के तहत भाषण देने और वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा चलाने से छूट मिलती है। आज यानी 4 मार्च 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला लिया। बेंच ने कहा, पुराने फैसले के जरिए जन प्रतिनिधियों को इस तरह से छूट देना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अति गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि इस अनुच्छेद के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, लिहाजा बेंच ने इस विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से फैसला लिया है। इससे पहले के फैसले में विधायकों सांसदों को रिश्वत लेने देने के केस में रियायत बरती जाया करती है, ये पूरी तरह से गलत था। बेंच ने कहा कि वो इस पहलू पर असहमत हैं और बहुमत को खारिज करते हैं। बेंच ने कहा, नरसिम्हा राव वाले मामले में बहुमत से लिया गया फैसला रिश्वत आदि लेने के लिए अभियोजन से छूट देता है और ये सार्वजनिक जीवन पर बड़ा असर डालता है। रिश्वत लेना ही अपराध है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, स्वागतम। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये विवाद कब से चर्चा में आया। 2012 की एक अपील में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम नेत्री और दिग्गज राजनेता शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन पर राज्यसभा वोट के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। तब उन्होंने अनुच्छेद 105 के तहत छूट का दावा किया था। जैसा कि पुराना फैसला कहता है, झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी ये अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने
दो दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जब इस मुद्दे को ही खत्म कर दिया गया है तो सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक शर्मा इस मसले पर क्या कह रहे हैं। जो सीता सोरेन वाला मैटर है, इसमें जो 7 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसने मेन मुद्दा ये था कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें अवेलेबल है कि नहीं है। तो मेन जो संविधान पीठ से मामला निकल के आया, जो पीवी नरसिम्हा राव केस का माइनॉरिटी जजमेंट था, वो एक तरह से अपहेल्ड हुआ है और मेजोरिटी को स्टक डाउन किया गया है। सीधी सी बात यह है कि ये एक ऑनेस्ट डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, एमपी एमएलएज हैं, उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्पशन नहीं होगा। अगर वो रिश्वत लेते हैं और उसके बदले में वोट करते हैं तो एक ऑफेंस माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। अब वो रिश्वत नहीं ले सकते, तो ये एक स्वस्थ और ईमानदार डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूनाइटेड किंगडम से ली, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं लिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को लिया। हमारे यहाँ पे भारत का संविधान सर्वोच्च है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय डेमोक्रेसी में क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी का कोई स्थान नहीं है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो कोई भी रिश्वत लेकर वोट नहीं डाल सकते। रिश्वत एक ऑफेंस है, एक अपराध है। मैं आपके साथ रिद्धि गौतम हूँ और आपके लिए जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, सच्चे राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ठीक बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के अपनी ही 5 सदस्यीय पीठ के फैसले को पलटकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है, संपूर्ण भारतीय मानव समाज को संविधान की प्रस्तावना का वो ध्येय वाक्य दोहरवाया है जिसमें ये कहा गया है कि हम भारत के लोग यानी हम सब एक बराबर हैं, हम एक समान हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, फिर चाहे वो एमपी एमएलए ही क्यों ना हो, सब बराबर है, सबके लिए सजा बराबर है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, बेहद शुक्रिया, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।